हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद किया आप लोग ठीक है, स्वस्थ है। और दोस्तों आज बहुत गर्मी है और सोना का भी तबीयत, हाँ सोना तबीयत कुछ खराब है, सर्दी लगा है। मेरा भी सर्दी है ना, इसीलिए सोना का भी हो गया। दोस्तों आज सोना का तबीयत ठीक नहीं था और ये अच्छा था कि आज संडे था, मैं भी घर पे था, काम पे गया नहीं, और इस वजह से सोना को भी दवाई खिला दिया है थोड़ा सा। उसको थोड़ा बुखार था और सर्दी भी है, तो बुखार का दवाई उसे खिला दिया है, थोड़ा आराम मिला है उसे। अभी वो जिद कर रही है नीचे जाने का घूमने के लिए, तो मुझे भी काम है दुकान पे, तो दुकान पे जाऊंगा और सोना को भी लेके जाता हूँ ना। ऊपर मैं देख रहूँगी तुम दोनों को। हाँ, नेहा जी बरामदे से बैठ के देखती रहेंगी। तो जाने के लिए तो मुझे सीढ़ी जाने के लिए दिक्कत ही है। नेहा जी तो सीढ़ी अप डाउन ज़्यादा कर नहीं सकती है, कभी कभी कभार करती है, हमेशा तो कर नहीं सकती है। हमारा जो सीढ़ी है वो भी कुछ ज़्यादा खड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। नेहा जी अप डाउन नहीं करती है, दूसरों के लिए नहीं है। इस वजह से मैं हमेशा ऊपर में सबको देख रहा है, कोई बाजार जा गया है, ऐसे ऐसे मैं देख के में टाइम पास किया है। और अभी तो गर्मी सीजन है ना, गर्मी सीजन बाहर बैठने के लिए भी धूप ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी ठंडा है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, इसीलिए मैं बाहर बैठ रहा है। पूजा पाठ भी किया, आज हस्बैंड काम पे गया ही नहीं, संडे है ना। हाँ सोना को अच्छा लगता है जब मैं काम पे ले जाता हूँ, काफी अच्छा लगा है सोना को। ठीक है, चलो मैं दुकान से होके आता हूँ। ठीक है सोना, मेरे लिए क्या लेके आएगी? ओहो सोना ले, सोना को सिर्फ नेल पॉलिश चाहिए, तब से जिद कर रही है नेल पॉलिश लगाने का। एक लेके भी रखा था हाथ में, कहाँ है ये देखिए, नेल पॉलिश बिस्तर पे ही रखा है। क्या कलर है? अभी दुकान जाना है, इस वजह से बेड पे रख दिया था। उसको कंघी भी कहाँ से रखा पता भी नहीं है। अभी चलो दुकान चलो। कंघी कहाँ पे रखा है बेटा? अच्छा किसके दुकान जाओगे बोलो तो? किसके दुकान जाएगी? दुकान, किसके दुकान? नकपलिश दुकान है ना, इधर से है बोला है। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ थोड़ा बाहर में लग करके जाएंगे ना। नहीं तुम बंद करके रखना। ठीक है चलो। चलिए दोस्तों थोड़ा दुकान से सामान लेके आते हैं। कुछ लेके आओ ना, सारा लेके आओगे। ठीक है हाँ, आ गया दोस्तों सोना और सोना पापा आ गया है। ये देखिए बाजार हो गया। हाँ और सोना क्या खाया है तुमने? क्या लेके आया बेटा? मैंगो जूस। ओ सोना सिर्फ मैंगो जूस खाया है। थोड़ा सा खा के बस नहीं खाऊंगी बोल रही है। खाओ बेटा। नहीं खाऊं? क्यों नहीं खाऊं? सोना नहीं खाएगा बोला है। गर्मी है। हाँ गर्मी। एक बार बस सीढ़ी अप डाउन किया। हाँ और पसीना निकल गया। हाँ मेरा रूम पे पसीना है ना, क्यों मैं बाहर जाऊंगी बैठने के लिए ना, खाना देर से बनाओ। हाँ क्या क्या लेके आया देखो, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ सोना को, क्या हो गया? नहीं उतरेगी। ओह इतना गर्मी से पापा कैसे गोद लेके उठेगा सोना को? सोना ने है पापा का गोद में उठने के लिए खुश रहा है। क्या लेके आए देखो? देखो मुड़ी खाएगा बेटी? क्या मुड़ी खाएगा? क्या कहाँ पे रखा? पूजा पाठ क्या जगह से रखा है? क्यों बैग थोड़ा उल्टा हो गया था, थोड़ा सा गिर गया है, मैदा गिर गया। हाँ मैदा गिर। और क्या रिफाइन नहीं मिला क्या? रिफाइन नहीं मिला। ओहो वो कर लेना। तो आज कैसे बनाऊंगी? आज नहीं बनाएंगे, कल ही बनाना पड़ेगा। मैं सोच रहा है रात में सोना को सुला लेने के बाद बनाऊंगी। तो ठीक है कल बनाऊंगी। हाँ डिब्बा में भरा के रखूंगी। सुना मुड़ी खाएगा क्या? मुड़ी खाए। सोना ने थोड़ा सा गिर गया है ना, बार बार बोला है कैसे गिर गया है, दिखा दो दोस्तों को। गिर गया है थोड़ा सा मैदा। पापा है बेरा ले। देखो दोस्तों सोना का गुस्सा कैसे आया। दोस्तों सोना ने कितना गुस्सा किया पापा को देखा है, थोड़ा सा मैदा गिर गया है ना और सोना ने गुस्सा किया है। तुम तो मैंगो नहीं फेंक दिया है ना, नहीं खाता है ना? नहीं खाता है। आजा आजा बेटा आजा। कहाँ पे रखा है? यहीं रख दिया। हाँ सारा सामान मिल गया, सिर्फ रिफाइन नहीं मिला है ना। दोस्तों दुकान से तो आ गया, आज दुकान से मूवी लाया था, दूसरे जगह में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और मूवी लाया था तो नेहा जी को बोला झालमुड़ी बना के चाय के साथ खाएंगे,
तो नेहा जी के किचन से आवाज़ तो आ रहा है पर क्या बन रहा है वो नहीं पता। चलते हैं देखते हैं कि क्या बन रहा है, और झालमुल रही बन रहा है या कुछ और, देखते हैं चाय के साथ। नेहा क्या कर रहे हो? बूट फ्राई किया है, सूखा वाला बूट। अच्छा दोस्तों ये देखिए काला चना जो है, सूखा काला चना वो फ्राई कर रही है। और बादाम भूल गया ना लेने के लिए, बोलने के लिए। पर बादाम बोलना भूल गई दुकान से, और घर में इतना सा ही है बादाम अभी। फ्राई करके दे दूंगी बेटा। तो इसका बनाओगे क्या? झालमुरी बनाने के लिए बोला है तू? हाँ झालमुरी में सूखा चना, चना तो फूटेगा तब तब दे दूंगी, तब देना पड़ेगा। और भुजिया है ना घर पे बनाया भुजिया, तो मुझे बोलते मैं एक पैकेट ले आता छोटा सा, मैं भूल गया। तुम पहले बोला भी नहीं ना झालमुरी खाऊंगी। हाँ वो सोना बोल रही थी मुरी खाने का, हाँ, थी। इस वजह से लेके आया था। और तो एक काम करना थोड़ा सा अचार का तेल दे देना। हाँ, और सोना सोना खाएगा कैसे? बुटका बा सोना को बादाम निकाल के दे देना सिर्फ। ठीक है तो झाल बना के आचार का तेल ज्यादा, थोड़ा सा टेस्ट होगा तब खाने में अच्छा लगता है। मसाला भी दे दूंगी, टेस्टी होगा। पता नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। तेल में ना मैगी मसाला देने से टेस्टी होगा, तो क्योंकि हमने तो आज तक ऐसा देखे खाया नहीं है। खाना कैसे बनाऊं? ट्राई करना चाहिए अलग अलग। आज खाना कैसे बनाऊं? देखो पसीना पूरा आ गया है। गर्मी बहुत है दोस्तों हमारे घर के अंदर, और मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे कॉल किया, तो वो मेरा वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने कॉल करके बोला कि तुम हमेशा बनियान में क्यों रहते हो, टी शर्ट वगैरह क्यों नहीं लगाते? तो मुझे हंसी भी आया, पर मैंने उनको बताया कि इतना ज़्यादा गर्मी है कि टी शर्ट पहन के रहना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से जैसे भी हो थोड़ा फैन के नीचे अगर बैठे हैं इस तरह से बनियान में तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा राहत मिलता है। मेन तो बात यह है कि जैसे भी हो गर्मी से बचना है अभी, तो मत करो बेटा। तो इस वजह से तो मैंने उनको बताया, तो वो भी हंसने लग गए। असल में वो मजाक कर रहे थे, और जब बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनको भी लगा कि हाँ सच में ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से तो बचना चाहिए ना, और तुम तो आज दो तीन गेंजी पूरा पसीना हो गया ना, क्योंकि दोस्तों जब घर में रहता हूँ तो पसीना आता ही रहता है, तो कम से कम दो बार तो नहाना हो ही जाता है। और अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नहाना भी बढ़ता जाएगा। आज तीन बार नहाया, तीन बार चार बार तक। कई बार ऐसा होता है कि सुबह तो नहाते हैं फिर रात को नहाए बिना नहीं सो सकते, इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और हमारे यहाँ क्या है कि एक चीज़ और है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ जो हवा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे यहाँ में जब गर्मी होता है तो चिपचिपा जैसा हो जाता है बदन, जब भी पसीना आता है तो पूरा शरीर चिपचिपा जैसा हो जाता है। उस टाइम तो नहीं नहाएंगे तो बिल्कुल कुछ अलग ही लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। और जितने भी आप उस टाइम पे फैन के नीचे बैठ लीजिए, पर ठंडा नहीं लगेगा, राहत नहीं मिलता है, तो नहाने के बाद ही राहत मिलता है। दोस्तों यहाँ रह के तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, चलिए हम फैन के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं दोबारा किचन आ गया हूँ थोड़ी देर बैठ के, और नेहा जी कुछ कुछ डाल रही हैं। क्या डाल रहे हो? प्याज डाल रहे हैं, और क्या डाले हैं साथ में? थोड़ा सा अदरक दीजिए दोस्तों। हाँ अदरक है, प्याज है, और भुजिया डाला है। भुजिया डाला और डालूंगी, और थोड़ा सा आचार डालूंगी, और सोना अच्छा प्योर सरसा, हाँ आचार का तेल डालूंगी ना। अच्छा और सोना के लिए लेके आया प्योर सरसा वाला तेल ना, वो डालूंगी। हो गया है, ज्यादा नहीं दूंगी ना, कम दो, ज्यादा हो गया है, बादाम लेके दिया है, हो जाएगा इतना से? हो जाएगा, कम दो। हाँ तुमने बहुत ज्यादा बना दिया है, रखा नहीं थोड़ा भी? सब बना दिया क्या? रखा है इतना इतना खाने के बाद तो आधा आधी पेट भर ही जाएगा। क्या करूँगी? कोई नहीं, बनाओ, जितना खाएंगे खाएंगे, और थोड़ा रख देंगे, खराब हो जाएगा ना।
नहीं बाद में देखेंगे, बाद में कैसे बाद में दूं? एक नहीं एक कैरी बैग में अगर बांध के रखे तो खराब नहीं होगा। कंटेनर में भरा के रखूंगा क्या? हाँ एयर टाइट कंटेनर में रखने से भी ठीक रहेगा। हाँ नमक चाहिए होगा? नहीं भुजिया से नहीं, नहीं थोड़ा नमक डालना पड़ेगा। डर भी लगा है ना मेरे लिए, इसीलिए है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल कम दिया है। ये देखिए किस तरीके का बन रहा है, ये से साना होने से ठीक होता है ना, साना नहीं है। हाँ। दोस्तों हम कभी बनाते हैं कभी, मतलब बहुत साल हो गया बनाए नहीं सच। हाँ, में बोले तो जब सोना पैदा नहीं हुई थी तब उसके बाद खाया है? नहीं खाया है, मम्मी आया है ना उस टाइम खाया, उस टाइम खाया ना मम्मी आने पता नहीं शायद एक बार। हाँ। जब सोना पैदा नहीं हुई थी उससे पहले काफ़ी खाते थे हम। हाँ। काफ़ी बार बनाया, तब क्या करते थे छोटा पैकेट आता है भुजिया का। हाँ। तो वो लेके आते थे, अच्छा ज़्यादा नहीं 5-5 रुपए वाला पैकेट लेके आते थे। अभी भी भूल गया, तुम बोला भी नहीं। मूढ़ी में डाल के फिर बना के खाते थे, अच्छा लगता था। और फिर जब सोना पैदा हुई तो उसकी नानी आई थी तब एक बार बनाया था। हाँ एक बार मम्मी ने बनाया, मैं नहीं। हाँ। बनाया मम्मी खुद बनाया, हम दोनों खाए ना बाटी लेके। हाँ। हाँ। तो एक बार ही बनाया, बाकी तो काफी साल हो गए फिर खाए। हाँ, काफी साल हो गया मम्मी तो एक डेढ़ साल हो गया आया है, डेढ़ साल हो गया। हाँ, सोना का एक महीने से आया, सोना पैदा होने के बाद एक महीने की बारी आया ना, और मेरा मौसी गया और मम्मी आया है ना उस टाइम से, तभी खाया। तो उसके बाद आज काफी दिन हो गया, डेढ़ साल ज्यादा ही होगा। हाँ, डेढ़ साल से ज्यादा ही हो गया। और असर का तेल थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा डालो, सोना के लिए अलग के रखोगे क्या? थोड़ा सा रख दो, वो भी खाने का इच्छा करेगी भी। मैं असर का तेल डालने से हो जाएगी। तो नेहा जी जो झाल मुड़ी बना रही थी तो काफी सादा सादा लग रहा था, खाली लग रहा था, तो फिर मैं नीचे दुकान में गया और देखिए ये पैकेट लाया हूँ। पैकेट लाया हूँ पर वही है 5-5 रुपए वाला, पहले जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा हम खर्चा करते नहीं है। और ये दोस्तों चलते हैं, सोना को लेके जाओ नहीं जो काटने से देखेगा ना। हाँ दोस्तों देखिए मेरा झालमुड़ी रेडी हो गया है, देखिए सोना भी बैठ गई है खाने के लिए। और सोना देखा है ना ऊपर से क्या किया है, सोना को तो खिलाया नहीं दोस्तों, और बोला है मुझे नहीं दिया क्यों मम्मी, उसे बाटी में सिर्फ खाली बाटी से मुड़ी डाल के दिया है ना, उसको प्लेन मुड़ी दिया था ये देखिए। तो वो खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हाँ, उसको तो बार भी ऐसा चाहिए। हम दोनों का मुड़ी देख रहा है तो क्या बनाया है मम्मी, मेरे लिए तो नहीं है। तो बोला है पापा को मुझे मम्मी ने दिया नहीं ऐसे कहा, तो खाओ ना। आज काफी दिनों बाद मिला है, डेढ़ साल की बात दोस्तों। आप लोग भी बनाइए घर पे खाइए, और हम भी खा लेते हैं अभी। ठंडा दिन से खाने से मस्त लगा, ठंडियों में खाने में जनवरी महीना दिसंबर महीने से खाने से ठीक लगा है, सही है सर। ठंडियों में तो थोड़ा मिर्ची देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों अभी खा लेते हैं हम भी। दोस्तों खाने के लिए काफी मन किया, देखो सोना का बाटी छोड़ के आया है और पास में बैठ गया दोस्तों, खाने के लिए बोला है मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। एक बार उसको थोड़ा सा बादाम खिला दूंगी, खाओ। हाँ दोस्तों ज़रा देर नहीं करूँगी सोना खाने के लिए और बोलेगा खोजेगा, तो देर नहीं करूँगी, आज के लिए इतना ही है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं मेरा चैनल पे प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। मिलेंगी और एक नया ब्लॉग के साथ, बाय 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 शुभ रात्रि, बाय।